दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस, अगर आप भी परेशान हो टीवी धन डॉट को वेबसाइट पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने में, जब भी आप किसी भी ऑप्शंस को बाय सेल करने जाते हो, किसी भी इंडेक्स पे जैसे आप बाय पे क्लिक करते हो, इस तरीके से अगर आपको भी नॉन ट्रेडेबल सिंबल का प्रॉब्लम आ रहा है, सो इसको आप कैसे सही कर सकते हो और कैसे आप किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, वो मैं आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देखोगे अभी यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में मैंने धन FNO करके एक चार्ट को, सॉरी वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें सभी इंडेक्स को मैंने सेट करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो निफ्टी मिड कैप रहेगा, इसको अगर मैं ओपन करूँगा, सो इस पर भी अगर मैं दोबारा से बाय पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से, सो मुझे यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा नॉन ट्रेडेबल सिंबल करके। ऐसे ही गाइस, अगर यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करूँगा, अभी गाइस यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी को भी बाय करने जाऊँगा, सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल सिंबल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं सेल करने की ट्राई करूँगा, सो तब भी मुझे ऐसे ही देखने को मिलेगा। और बाकी गाइस, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करके देखोगे, इस तरीके से आपको दोबारा ऐसे पे नॉन ट्रेडेबल सिंबल देखने को मिल जाएगा। अभी कैसे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सो आपको गाइस क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी आप इंडेक्स को, जो भी इंडेक्स का चार्ट रहता है, उसमें आप सीधा बाय सेल नहीं कर सकते। अभी के जो बैंक निफ्टी है, इसमें आपको दो तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक तो गाइस आप इसका फ्यूचर ओपन करके उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर इसी का आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सी हो गया आपका कॉल ऑप्शन, पी हो गया आपका पुट ऑप्शन। और फिर जैसे आप किसी भी ऑप्शंस का चार्ट ओपन करोगे, इस तरीके से बैंक निफ्टी का जो भी चार्ट रहेगा ओपन हो जाएगा ऑप्शंस का। और फिर जैसे जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइंग विंडो देखने को मिल जाएगा, कितना क्वांटिटी बाय करना है उसे यहाँ पे आप इंटर करोगे। और जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, आपका ऑप्शन बाय हो जाएगा। तो गाइस ऐसे फिर आपको यहाँ पे जो नॉन ट्रेडेबल सिंबल रहता है उसका प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से गाइस अगर मैं आपको बैंक जो भी निफ्टी 50 रहेगा इसका दिखाऊं, सो अभी यहाँ पे मैं दोबारा से ऑप्शन चैन में आऊँगा। और ऑप्शन चैन में आने के बाद यहाँ पे मैं ये किसी भी कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ व्यू चार्ट पे क्लिक करके। अभी गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से अगर इस लेवल पे भी बाय पे क्लिक करूँगा, सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे बाइंग विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नॉन ट्रेडेबल सिंबल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी इस अगर यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा, सो इस तरीके से सेल का भी ऑप्शन आ जाएगा। सो फिर इस ऐसे जो भी प्रॉब्लम रहता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर क्या होता है, सो गाइस जैसे आप चार्ट पे सर्च करोगे निफ्टी 50 का फ्यूचर, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडेक्स आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूचर आ रहा है निफ्टी 50 का। इसी फ्यूचर पर मैं क्लिक करूँगा, सो फिर गाइस आपको जो निफ्टी 50 इंडेक्स रहता है और फ्यूचर का इंडेक्स रहता है, इसका दोनों का आपको चार्ट थोड़ा सा सेम ही देखने को मिलता है। और बाकी इस यहाँ पे आप जैसे ही बाय पे क्लिक करोगे, सो आपको यहाँ पे फ्यूचर का भी बाय करने का डिटेल्स आ जाएगा। आपको कितना लॉट बाय करना है सो वो आप इंटर करोगे, कितना मार्जिन लग रहा है उसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इस यहाँ पे भी आप बाय पे क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉट वगैरह डालने का डिटेल्स आ जाएगा और आप ईजिली यहाँ पे बाय पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो। सो गाइस जो भी प्रॉब्लम रहता है नॉन ट्रेडेबल सिंबल का, इसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे आप देखो, मैंने दोबारा से बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है मेन इंडेक्स का। और यहाँ पे अगर मैं बाय पे क्लिक करूँगा, सो मुझे यहाँ पे फिर से वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो गाइस ऐसे जो भी प्रॉब्लम रहता है, इसको आप सही कर सकते हो और ईजिली आप किसी भी इंडेक्स में, ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस में बता दिया है। और फिर भी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।